हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद AKS। आज से हम शुरू करने वाले हैं एक नए सीरीज़ को, जहां हम सीखेंगे ऐसे दो वर्ड्स, ऐसे दो शब्द जो सुनने में तो एकदम सिमिलर है, बट उनकी जो मीनिंग है और जो यूजेज है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो आज से हम ऐसे वर्ड्स को सीखेंगे। सो लेट्स बिगिन विद दिस सीरीज ऑफ वर्ड्स, जहाँ पे आपकी वोकैबुलरी बूस्ट करने में और आपके इंग्लिश के मिस्टेक्स सुधारने में ये सीरीज बहुत काम आएगी। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टू वर्ड्स फॉर टुडे। सो द वर्ड्स ऑफ द डे इज काउंसिल एंड काउंसिल। आई एम श्योर आप सबने ये दोनों वर्ड्स सुने होंगे, बट आपने सुने हैं तो दोनों वर्ड्स सिमिलर साउंड करते हैं, बट दोनों के मीनिंग्स एकदम डिफरेंट है। सो द फर्स्ट वर्ड काउंसिल मीन्स, काउंसिल का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कम टुगेदर टू मेक डिसीजंस एंड फॉर एडवाइजरी पर्पसेस। सो ऐसे ग्रुप को कहा जाता है काउंसिल। ऑन द कॉन्ट्रेरी, काउंसिल विद SEL स्टैंड्स फॉर समथिंग दैट वी ऑल नो इज काउंसिलिंग। आपने काउंसिलिंग के बारे में सुना होगा, दैट समवन गिव्स एडवाइस टू समबडी, दैट इज काउंसिलिंग करना। किसी प्रकार का एडवाइस आप किसी को दे रहे हैं या किसी को गाइडेंस दे रहे हैं, तो उसका मतलब होता है किसी को काउंसिल करना या किसी को काउंसिलिंग देना। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन काउंसिल एंड काउंसिल। It sounds similar, but it has a very different meaning. For example, the city council voted for the new park development. इसका मतलब जो सिटी का काउंसिल है, जो ग्रुप ऑफ पीपल है, दे वोटेड कि यहाँ पे नया पार्क होना चाहिए या नहीं। On the contrary, council का एग्जाम्पल होगा शी विजिटेड अ काउंसिलर और शी विजिटेड एन एडवाइजर फॉर काउंसिलिंग। And now it's time for a quick quiz. Please write your answers in the comments below.